दोस्तों आज मैं आपके साथ एफर्ट मार्केटिंग का एक कॉपी एंड पेस्ट का मेथड शेयर करने वाला हूँ, जिसको अगर आप अप्लाई करते हैं तो इस मेथड के माध्यम से आप यहाँ पर मंथ के थाउजेंड्स ऑफ डॉलर अर्न कर सकते हैं। एंड दोस्तों इस मेथड को अप्लाई करने के लिए हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं पॉपअप एड्स का। यू कैन सी हमने यहाँ पर एक टूल के माध्यम से पॉपअप एड क्रिएट कर। अगर हम पॉपअप एड की एंगेजमेंट की बात करें तो अन्य एड की तुलना में पॉपअप एड की एंगेजमेंट काफी हाई रहती है। जैसे अगर आप अपने एफिलिएट प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए पॉपअप एड्स का यूज करते हैं तो आपकी सेल्स निकलने के चांसेस काफी ज्यादा हाई हो जाते हैं। तो सबसे पहले आपको इस वेबसाइट के ऊपर आना है जिसका नाम है replug.io। बहुत ही बेहतरीन वेबसाइट है। एंड दोस्तों इस वेबसाइट के माध्यम से हम यहाँ पर पॉपअप एड क्रिएट करने वाले। तो पॉपअप एड क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको इस वेबसाइट के ऊपर अपना अकाउंट क्रिएट करना। तो अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पर आना है रजिस्टर फॉर फ्री, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक न्यू पेज आएगा। अब आपको यहाँ पर अपनी बेसिक डिटेल को फिल कर देना है। जैसे कि यहाँ पर आपको अपने नेम को लिखना है, लास्ट नेम को लिखना है, ईमेल एड्रेस को टाइप करना है, पासवर्ड को क्रिएट करना है, टर्म एंड कंडीशन को आपको एक्सेप्ट करना है, देन साइन अप इसके ऊपर क्लिक कर देना। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक ईमेल आएगा जहां पर आपको अकाउंट वेरीफाई करने के लिए कहा जाएगा। तो आपको यहाँ पर अकाउंट को वेरीफाई करना है और replug.io के ऊपर आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। तो दोस्तों जैसे ही आपका अकाउंट यहाँ पर क्रिएट होगा तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। अब आपको यहाँ पर अपने प्रोडक्ट्स के लिए पॉपअप एड्स कैसे क्रिएट करना है उसकी जानकारी मैं आपको देता हूँ। तो पॉपअप एड को क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पर आना है क्रिएट ब्रांड, इसके ऊपर क्लिक कर। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक न्यू पेज आएगा एंड यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा न्यू ब्रांड का, तो आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक न्यू पेज आएगा। अब आपको यहाँ पर प्रोडक्ट को चूज करना है जिसके लिए आप यहाँ पर पॉपअप एड क्रिएट करना चाहते हैं। तो प्रोडक्ट को चूज करने के लिए हम यहाँ पर यूज करने वाले Digital24 का। तो सिंपली आपको Digital24 के ऊपर आना है और इसके ऊपर आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना है। जैसे आप Digital24 के ऊपर अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। अब आपको यहाँ पर एक प्रोडक्ट को चूज करना है, जैसे कि इस वीडियो में आपको एग्जांपल देने वाले इस वाले प्रोडक्ट का, जिसका नाम क्या द अल्टीमेट कीटो मिल्क है। बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है। अगर हम इस प्रोडक्ट को यहाँ पर प्रमोट करते हैं तो यहाँ पर आपको साफ मेंशन किया गया है कि आपको यहाँ पर सेल का $16 तक का कमीशन मिलता है। मान लो मैं यहाँ पर दिन की 10 सेल को भी निकलवा लेता हूँ तो इजिली मैं यहाँ पर डे का $160 तक को अर्न कर। तो सिंपली हम यहाँ पर इसी प्रोडक्ट को प्रमोट करने वाले हैं। तो प्रमोट करने के लिए सिंपली आपको यहाँ पर आना है, यहाँ से आपको अपने प्रोडक्ट के टाइटल को कॉपी कर लेना है। जैसे कि मैं यहाँ से इस प्रोडक्ट के टाइटल को कॉपी कर लेता हूँ, अगेन आपको यहाँ पर आना है एंड टाइटल के अंदर आपको यहाँ पर अपने प्रोडक्ट के नेम को कॉपी एंड पेस्ट कर। अब आपको अगेन Digital24 के ऊपर जाना है, यहाँ से आपको अपने एफर्ट लिंक को कॉपी करना है, अगेन आपको यहाँ पर आना है, यहाँ पर आपको अपने एफर्ट लिंक को कॉपी एंड पेस्ट कर देना है, देन सेव इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका ब्रांड यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। नाउ अब आपको मैनेज के ऊपर आना है, कैंपेन्स इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक न्यू इंटरफेस आएगा एंड यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा न्यू कैंपेन का, तो आपको इसके ऊपर क्लिक कर। जैसा आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक न्यू पेज आएगा एंड यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा सिलेक्ट योर ब्रांड का। तो यहाँ पर आपको अपने ब्रांड को सिलेक्ट कर लेना है जिसको हमने स्टार्टिंग में क्रिएट किया था। जैसे कि मैं यहाँ पर अपने ब्रांड को सिलेक्ट कर लेता हूँ, देन नेक्स्ट इसके ऊपर क्लिक कर देना। जैसा आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक न्यू इंटरफेस आएगा एंड यहाँ पर आपको पहला ऑप्शन मिलेगा कैंपेन नेम का। तो यहाँ पर आपको अपने कैंपेन नेम को टाइप कर देना है। जैसे कि मैं यहाँ पर कैंपेन नेम रख लेता हूँ कीटो वेट लॉस, इसी तरीके से आपको यहाँ पर अपने कैंपेन नेम को रख लेना। नेक्स्ट ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलता है कस्टम डोमेन का। अगर आप अपने पॉपअप ऐड के अंदर कस्टम डोमेन को ऐड करना चाहते हैं तो इसके माध्यम से आप यहाँ पर अपने कस्टम डोमेन को भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर कैंपेन टैग के अंदर शॉर्टनर को सिलेक्ट करना है एंड विजेट्स के अंदर आपको यहाँ पर कॉल टू एक्शन के ऊपर टिक करना है। देन इसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट इसके ऊपर क्लिक कर देना। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक न्यू इंटरफेस आएगा एंड यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन मिलेंगे। जैसे आप अपने पॉपअप
पॉपअप ऐड को किस तरीके से रखना चाहते हैं उसको आप यहाँ पर कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे कि मान लो आप यहाँ पर बटन टेक्स्ट को रखना चाहते हैं तो यहाँ पर आप बटन को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर अपने लिंक्स को ऐड करना चाहते हैं तो इसके माध्यम से आप यहाँ पर डायरेक्ट अपने ऐप पर लिंक्स को ऐड कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर अपने फॉर्म्स क्रिएट करवाना चाहते हैं तो इसके माध्यम से आप यहाँ पर अपने फॉर्म्स को क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर बटन का यूज करने वाला हूँ तो मैं बटन इसके ऊपर क्लिक करूँ। नेक्स्ट ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलता है फॉर्मेट का, मीन्स आप किस तरीके से अपने पॉपअप ऐड को शो करना चाहते हैं उसके भी आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं। जैसे कि पहला ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलता है क्लासिक का, तो हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो क्लासिक के अंदर हमारे सामने कुछ इस प्रकार का फॉर्मेट आ जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलता है मॉडर्न का, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आपके सामने मॉडर्न फॉर्मेट आ जाता है। उसके अलावा आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं जिसको आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं, एंड जो भी ऑप्शन आपको यहाँ पर अच्छा लग रहा है उसी के अनुसार ही आप यहाँ पर अपनी पॉपअप ऐड को क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर क्लासिक का यूज करने वाले हैं तो हम क्लासिक इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलता है अपलोड इमेज का, मीन्स अगर आप अपनी पॉपअप ऐड के अंदर इमेज को ऐड करना चाहते हैं, जैसे कि मान लो आप यहाँ पर अपनी इमेज को ऐड करना चाहते हैं तो इसके माध्यम से आप यहाँ पर अपनी इमेज को भी ऐड कर सकते हैं। जैसे कि ऑलरेडी मैंने यहाँ पर एक इमेज को डाउनलोड कर रखा है तो उसको मैं यहाँ पर अपलोड कर देता हूँ, तो हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं एंड यहाँ से हम अपनी इमेज को ओपन कर लेते हैं। जैसे ही आप यहाँ पर अपनी इमेज को ओपन करें तो आपकी इमेज यहाँ पर अपलोड हो जाएगी और कुछ इस प्रकार से आपकी इमेज यहाँ पर दिखाई देगी। इसी तरीके से आप यहाँ पर अपनी इमेज को ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर आना है नेक्स्ट, इसके ऊपर क्लिक करते हैं। इसके बाद आपको अपनी पॉपअप ऐड को कस्टमाइज करना है, तो पहला ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलता है हेडलाइन का, तो आपको यहाँ पर अपनी पॉपअप ऐड के लिए हेडलाइन को क्रिएट करना है। एंड हेडलाइन को क्रिएट करने के लिए आप यहाँ पर चैट जीपीटी या फिर कोरा चैटबोर्ड का यूज कर सकते हैं। जैसे कोरा चैटबोर्ड के माध्यम से मैंने यहाँ पर बहुत सारी हेडलाइन क्रिएट की है, सेम इसी तरीके से आप यहाँ पर अपनी हेडलाइन को क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर प्रॉम्प्ट टाइप किया है टीटो डैट हेडलाइन आइडिया, तो इसने मुझे यहाँ पर बहुत सारे हेडलाइन के आइडियाज दे दिए। अब आपको यहाँ पर सभी हेडलाइंस को अच्छे से रीड करना है एंड जो भी हेडलाइन आपको यहाँ पर अट्रैक्टिव लग रही है उसको आपको कॉपी कर लेना है। जैसे कि मैं यहाँ पर इस हेडलाइन को कॉपी कर लेता हूँ, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं इसको कॉपी करता हूँ एंड कॉपी करने के बाद इसको मैं यहाँ पर कॉपी एंड पेस्ट कर देता हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलता है मैसेज का, तो अगेन आपको कोरा चैटबोर्ड को बजाना है एंड यहाँ पर आपको इस प्रॉम्प्ट को टाइप कर देना। जैसे कि मैंने यहाँ पर प्रॉम्प्ट टाइप की है टीटो डैट मैसेज आइडियाज, तो इसने मुझे यहाँ पर बहुत सारे आइडियाज दे दिए, तो यहाँ पर आपको सभी आइडियाज को रीड करना है एंड जो भी आइडिया आपको यहाँ पर सेटिस्फाई कर रहा है आपको उसको कॉपी कर लेना। जैसे कि मुझे ये आइडिया सेटिस्फाई कर रहा है तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ एंड इसको मैं मैसेज के अंदर कॉपी एंड पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलता है कॉल टू एक्शन का। अगर आप अपने कॉल टू एक्शन को और भी अट्रैक्टिव बनाना चाहते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ स्टार्ट एक्टिंग नाउ, एक्ट नाउ, या फिर हम लिख सकते हैं गेट एक्सेस नाउ, जो भी आपको यहाँ पर अपने बटन टेक्स्ट के अंदर ऐड करना है उस टाइप के टेक्स्ट को आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर आना है एंड यहाँ पर आपको अपने एफर्ट लिंक को कॉपी एंड पेस्ट कर देना है। तो हम यहाँ पर जाते हैं, यहाँ से हम अपने एफर्ट लिंक कॉपी करते हैं एंड इसको हम यहाँ पर कॉपी एंड पेस्ट कर देते हैं। इसी तरीके से आपको यहाँ पर अपनी पॉपअप ऐड को कस्टमाइज करें। जैसे आप यहाँ पर अपनी कंप्लीट पॉपअप ऐड को कस्टमाइज कर लें उसके बाद आपको यहाँ पर आना है नेक्स्ट, इसके ऊपर क्लिक कर। इसके बाद आप अपनी ऐड को और भी अच्छे से कस्टमाइज कर सकते हैं। अगर आप इसके कलर को चेंज करना चाहते हैं, अगर आप इसके बैकग्राउंड के कलर को चेंज करना चाहते हैं तो इसके माध्यम से आप यहाँ पर इसके बैकग्राउंड के कलर को चेंज कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर इसके टेक्स्ट को कलर को चेंज करना चाहते हैं तो इसके माध्यम से आप यहाँ पर इसके टेक्स्ट के कलर को चेंज कर सकते हैं। अगर आपको बटन टेक्स्ट को चेंज करना है, बटन के कलर को चेंज करना है, जो भी चीज आप यहाँ पर करनी है सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। इसके माध्यम से आप यहाँ पर अपनी कंप्लीट पॉपअप ऐड को अच्छे से कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर अपनी पूरी कस्टमाइजेशन कर लें उसके बाद आपको यहाँ पर आना है नेक्स्ट, इसके ऊपर क्लिक कर। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने न्यू इंटरफेस आएगा एंड यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा सेकेंड्स का। सेकेंड्स का अर्थ यहाँ पर ही है कि आपके पॉपअप ऐड कितने सेकेंड के बाद आपके कस्टमर के सामने आनी चाहिए उसको आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया 5 सेकेंड। इसका अर्थ यहाँ पर ये यह है जैसे कोई बंदा मेरी वेबसाइट के ऊपर विजिट करेगा तो 5 सेकंड के बाद उसके सामने हमारी इस पॉपअप ऐड आ जाएगी। तो इसी तरीके से आपको यहाँ पर अपनी टाइमिंग को भी सेट कर लेना है
या कितने सेकंड के बाद अपनी पॉपअप ऐड को शो करना चाहते हैं। जैसे कि मैंने पर 5 सेकंड इसको सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद आपको यहाँ पर आना है सेव कैंपेन, इसको पर क्लिक कर दो। जैसा आप इसको क्लिक करेंगे तो आपका कैंपेन यहाँ पर सेव हो जाएगा। नाउ अगेन आपको मैनेज के ऊपर क्लिक करना है, रीप्लग लिंक्स इसके ऊपर क्लिक कर दो। जैसा आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक न्यू इंटरफेस आएगा एंड यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा न्यू लिंक्स का, तो आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना। जैसा आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक न्यू पेज आएगा एंड यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा सिलेक्ट योर कैंपेन का, तो यहाँ पर आपको अपने कैंपेन को सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलेगा यूआरएल का, तो यहाँ पर आपको अपनी वेबसाइट के लिंक को या फिर आप यहाँ पर थर्ड पार्टी के लिंक को शेयर कर सकते हैं जिसके ऊपर आप अपनी पॉपअप ऐड को शो करना चाहते हैं। जैसे कि ऑलरेडी मैंने यहाँ पर एक वेबसाइट को फाइंड कर रखा है जिसके ऊपर मैं अपने पॉपअप ऐड को शो करना चाहता हूँ, तो उसके लिंक को मैं यहाँ पर कॉपी एंड पेस्ट कर देता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पर इसके लिंक को कॉपी एंड पेस्ट करता हूँ तो मेरे सामने प्रिव्यू आ जाता है। मिस हमारी पॉपअप ऐड यहाँ पर किस प्रकार शो होगी उसका प्रिव्यू आपको यहाँ पर दिखाई दे जाता है। इसके बाद आपको यहाँ पर कोई भी सेटिंग को नहीं करना है, सिंपली आपको यहाँ पर आना है सेव लिंक, इसके ऊपर क्लिक कर देना। जैसा आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने की न्यू इंटरफेस आएगा एंड यहाँ पर आपका लिंक जनरेट हो जाएगा जिसको आपको बेसिकली यहाँ पर प्रमोट करना है। तो यहाँ से हम अपने लिंक को कॉपी करते हैं, अगेन हम जाते हैं गूगल के ऊपर एंड यहाँ पर हम अपने लिंक को कॉपी एंड पेस्ट करते हैं एंड हम यहाँ पर यह चेक करते हैं कि हमारी पॉपअप ऐड यहाँ पर कैसी दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर हमने अपने लिंक को कॉपी एंड पेस्ट कर दिया है एंड 5 सेकंड का हम यहाँ पर वेट करें। इसी प्रकार से पॉपअप ऐड आपके कस्टमर को दिखाई दे। अब बात करते हैं ट्राफिक की, मिस आप किस तरीके से अपने पॉपअप ऐड के ऊपर ट्राफिक को ला सकते। तो दोस्तों ट्राफिक को लाने के लिए आप यहाँ पर बहुत सारी वेबसाइट्स का यूज कर सकते, जैसे कि आप अपने पॉपअप ऐड को टम्बलर के ऊपर, मीवी के ऊपर, minds.com के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, पिंटरेस्ट के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, थ्रेड्स के ऊपर, इसके अलावा भी आपको यहाँ पर 100 से भी ज्यादा वेबसाइट्स मिल जाती है जिसके ऊपर आप अपनी पॉपअप ऐड को प्रमोट कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप यहाँ पर 100 से भी ज्यादा वेबसाइट्स के बारे में जानना चाहते हो तो सिंपली आपको हमारी फ्री ट्रैफिक फॉर एफर्ट मार्केटिंग की प्लेलिस्ट को देख लेना है। वहां पर आपको 100 से भी ज्यादा फ्री के ट्रैफिक सोर्स मिल जाएंगे जिसके ऊपर आप अपनी पॉपअप ऐड को प्रमोट कर सकते हो और वहां से आप जेन्युइन ट्रैफिक अपनी पॉपअप ऐड के ऊपर ला सकते हो। जैसे आप अपनी ऐड के ऊपर ट्रैफिक को लाओगे डेफिनेटली वह ट्रैफिक आपके एफर्ट लिंक्स के ऊपर जाएगा, वहां से आपके प्रोडक्ट सेल होंगे और आप यहाँ पर मनी मेक कर पाए। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें एंड कम से कम इस वीडियो के ऊपर 100 लाइक्स लें ताकि इसी टाइप का कंटेंट हम आपके साथ शेयर कर पाए।